राधे राधे यूट्यूब फैमिली, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज एकादशी है, तो आज रंभा एकादशी भी बोला जाता है, रमा एकादशी भी बोला जाता है। तो एकादशी की आप लोग को ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो आज कल का तो बड़ा थकान था, मार्केट जाना हो गया, तो थोड़ा धूल मिट्टी की वजह से तबीयत काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था मेरा। सुबह उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था और काफ़ी चक्कर आ रहा था, तो उठे, बच्चों को जलील टिफ़िन तैयार करके दिया मैंने। मैं सोचा बच्चों को नहीं स्कूल भेजूं, लेकिन जो है कि बच्चे घर में भी रहेंगे तो वही शोर करेंगे, दोनों मिलकर लड़ाई करते हैं। तो बच्चे चले गए स्कूल और हम लोग भी नहा के तैयार हो गए। लाला को मैंने भोग लगा दिया, अब जाएंगे उनको नहलाएंगे। और आज एकादशी भी है, और एकादशी आज है और बृहस्पतिवार का दिन अच्छा दिन है, और कल है धनतेरस। तो काफ़ी कल भी मार्केट में लोगों को जाना होगा सामान लाने, क्या किया जाए। तो चलिए लाला को जो है कि उनको स्नान करवा देते हैं। चलिए दोस्तों, लाला यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने दूध पी लिया है और बस इनका भी स्नान होगा, क्योंकि बच्चे हैं, तुरंत उठा के नहलाना जो है कि नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चे हैं। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद इनको, कोई भी बच्चा रहेगा, अपने ही बच्चा रहेगा, तुरंत उसको तो उठा के अभी नहलाएगा नहीं ना। तो मैंने जो है कि पानी नहीं पिला के इनको दूध दूध का भोग लगा दिया था। अब लाला मेरे स्नान करेंगे, लाला का स्नान होगा, नहाई नहाई होगा ना माधो जी, तो अब नहाएंगे। चलिए इनको नहला लेते हैं आज, लाला को स्नान करवा देते हैं। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। 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 चलिए स्नान करवा लेते हैं उनको। मैं बना लिया है साबुदाने की खिचड़ी लाला के लिए, तो इनको इनका भोग लगा देते हैं। इनकी बंसी उतार देंगे, बंसी अगर लाला लिए रहेंगे हाथ में तो कैसे खाएंगे। तो उनकी बच्ची मैंने उतार दिया है और इनको थोड़ा सा हैवी नाश्ता करा देते हैं। लाओ भोग लगाओ मेरे मोहन, तो लड़ा को हरी भरा भोग लगा देंगे। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन, ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन कि सब अमृत हो जाए। तो यहाँ भोग रखा रहेगा 10 मिनट तक, तो लाला अपना भोग क्योंकि भोग प्रसादी ग्रहण कर लेंगे, फिर उसके बाद प्रसादी में सबको बांट दूंगी। माधो जी भोग ग्रहण कर लीजिएगा, चलिए मिलते थोड़ी देर बाद आपसे। मैंने विश्राम करा दिया है, थोड़ा आराम कर लें। अभी घड़ी में 1 बज रहा है, तो लाला की बंसी इनके तकिया के नीचे रख देंगे, तो लाला भी सो रहे हैं, अभी मैंने लिटाया हुआ है इनको, तो लाला भी आराम करेंगे। तो 4 बजे मैं इनको उठाऊंगी, 4 बजे मैं इनको जगाऊंगी। चलिए लाला को सुला देते हैं, मिलते थोड़ी देर बाद आप लोग। दीदी भी निकल लेंगे, अपने कार से निकल ली, बस वो चली गई है बाय बाय करके। अभी घड़ी में 4:30 बज रहे हैं, लाला को मैंने जगा लिया है, उनका धीरे धीरे जो है उनका श्रृंगार भी कर दिया है मैंने, जो बाकी अभी पहना दे रही हूँ। लाला को पहना लिया है, छोटे बाबू को मैंने पहना लिया है, तो उनको भी पहना दिया है, मुकुट लगा देंगे। मुकुट मैंने लगा दिया है, देखिए बड़े वाले बाबू को भी लगा देंगे, सबकी बंसी दे देंगे सबको। उनकी भी बंसी इनको मैंने दे दिया है, और इनको प्यास लगी होगी तो इनको पानी पिलाएंगे। हम लोग भी दोस्तों उठते हैं तो हम लोग को भी प्यास लगती है, तो ये तो बच्चे हैं तो बार बार मांग कर पियेंगे।
तब इनको भोग लगाएंगे। तो चलिए भोग वोग लगा देते हैं, तो फिर मिलते हैं आपसे। संध्या आरती हो गई है, पूजा भी हो गई है हमारी, दियो को मैंने जला दिया है और तुलसी माँ की भी मैंने पूजा कर ली है, वहाँ भी मैंने जला दिया है दीपक। देखिए अभी लाइट कटी हुई है, पूरा अंधेरा अंधेरा आपको दिख रहा होगा। और किसी के वहाँ जिसके वहाँ इन्वेटर है वहाँ लाइट जल रही है, जहाँ नहीं है वहाँ देखिए कटी हुई है। तो चलिए लाला के लिए बहुत प्रसादी तैयार करते हैं हम लोग। तो लाला उधर बैठे हैं अभी, चलिए चलते हैं। राधे राधे। लाला का भोग बन के तैयार है, तो लाला को भोग हम लोग लगाएंगे, तो उनकी बंसी हटा देंगे, उनको भोग लगा देंगे। लाला को भोग लगाएंगे। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, भोग लगाओ मेरे मोहन, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन। लाला पे भोग लगा देंगे। भोग प्रसाद यहाँ रखा रहेगा 10 मिनट तक, उसके बाद मैं उठा लूँगी। तो अंदर लाला ने भोग प्रसाद ग्रहण कर लिया, अब उनको दूध पिलाने आई हूँ, तो अब लाला दूध पियेंगे, तो सभी लोगों को दूध पिला दूँगी। सभी लोगों को मैंने दूध पिला दिया है, क्योंकि रात में भले वो खाना खाए लेकिन रात में उनको दूध ज़रूर पिलाना चाहिए, पिला कर ही सुलाना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं। तो लाला को मैंने ड्राई फ्रूट और दूध का भोग लगा दिया है। अब चलिए अब इनके कपड़े चेंज कर लेते हैं, तो थोड़ी देर के बाद मैं कपड़े चेंज करूँगी और इनके भोग अभी 5-10 मिनट तक रखा। लाला को कपड़ा चेंज करवा दिया है, इनका नाइट ड्रेस पहना दिया है, तो सुलाने से पहले थोड़ा थोड़ा पानी ज़रूर अपने अपने लालों को पिलाए, क्योंकि उनको प्यास लगी रहती है, तो पानी ज़रूर पिलाइएगा उनको। उनकी बाली इतनी बड़ी आ गई है कि इनके नाइट ड्रेस के अंदर ही छिपी रहती है, देखिएगा। या तो उठ ही रहे कि अब इनको बदलूँगी मैं, अब इनके लिए इस बहुत छोटा छोटा बाड़ी लेके आऊँगी, है ना बाबू, निकली नहीं रही है, इसे निकालते ऐसे। चलिए अब इनको, चलिए इनको सुला लेते हैं, चलिए इनको सुला। तो गाय चलिए लाला को सुला लेते हैं, तो चलिए माता जी को सुला लेते हैं। इनका हल्के हल्के मैंने मालिश कर दिया है, तो इत्र से मैंने इनकी मालिश कर दी है। इनके पैर नीचे तकिया ज़रूर रखिएगा। तो इनके पैर नीचे तकिया और इनके सर के पास तकिया ज़रूर आप लोग रखिएगा, और इनकी बंसी जो है इनके तकिए के नीचे ऐसे रख दीजिएगा आप लोग। और हल्का हल्का थोड़ा सा सुलाने से पहले हल्का हल्का इनके हाथ पांव दबा दीजिएगा ज़रूर से, धीरे धीरे हल्के हाथ से, ताकि इनको सोने में मतलब आराम मिले। तो इनका आप लोग जो है कि हल्का हल्का से हाथ पैर दबा दीजिएगा, ताकि इनको आराम मिले। तो जब मैंने हाथ पांव दबा दिए, अब इनको उढ़ा देंगे, क्योंकि हल्का हल्का हल्की हल्की रात में ठंड लगती है, तो मैंने हल्का सा टावल उड़ा दिया है, टावल उड़ा दिया मैंने। और मच्छरदानी को बंद कर देंगे, ताकि मच्छर ना लगे। पहले मैं बेड पे सुलाती थी, तो मच्छरदानी नहीं लगा पाती थी, इसलिए मच्छरदानी में सुला रही हूँ, ताकि इनको आराम से सो सकें।
मर्दानी बंद कर देंगे एक मिनट, क्योंकि मर्दानी मैंने बंद कर दी है। चले लाला सो गए हैं, इनको उठा दिया है मैंने। तो राधे राधे जय श्री कृष्णा। और यहाँ इनका पानी यहाँ पे है, जल मैंने रख दिया है। तो चके प्रभु का पैर पढ़ लेते हैं ताकि प्रभु अच्छे से सो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे जय श्री कृष्णा।